तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं बीकॉम पार्ट वन से। ये आपका जो है स्टेटिस है, स्टेटिस में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं मोड। मोड में आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, 61 है। इस 61 क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या चीज कि मीन और मेडियन, मीन और मोड ये कहता आपको फाइन करने के लिए। ठीक, मीन और मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम थोड़ा सा आप प्रश्न में ध्यान देते हैं। प्रश्न में देखिए, ये आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, सीआई आपका दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये आपका पांच पांच का क्या डिफरेंस है, ये पांच पांच का डिफरेंस आपको क्या क्या है दिया गया है। ठीक, इसके लिए आपका फ्रीक्वेंसी भी आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे 4 है, 5 है, 9 है, 15 है, 10 है और 7 है। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। जब ये हम लोग मान ले जाए कि मीन निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो होता है एक्स, यानी मीन पॉइंट आपको निकालना क्या जरूरी होता है, मीन वैल्यू आपको निकालना क्या होता है जरूरी होता है, जैसे एक्स आपको निकालेंगे। ठीक, अब एक्स जो निकालते हैं तो दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तब अभी क्या निकलेगा एक्स, जैसे 15 और 10 को हम जो जोड़ दिए इसका आधा किए तो 12.5, उसी प्रकार से 20 प्लस 15 को जोड़ देंगे और आधा करेंगे 17.5। अब इन दोनों में अंतर देख लीजिए, 12 5 कितना हो 17, माने 5 का डिफरेंस आ गया। उसी प्रकार से डिफरेंस हम यहाँ तक क्या करें लिख देंगे, अब देखिए 12 5 17.5, 17 5 होता 22.5, 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5, 27.5 में 5 जोड़ 32.5, 32.5 में आपको 5 जोड़ेंगे तो वो भी निकल गया 37.5। ये 5 पर का डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं जोड़ दिए हैं। उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो निकल जाएगा fx, क्या निकल जाएगा fx का मतलब होगा f गुणे x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने 12.5 को अब जो 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया कितना 50, फिर 17.5 को 5 से गुणा करना है तो 87.5, 22.5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 202.5, उसके बाद है 15 को जो है 27.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 412.5, अब 10 को जो है 32.5 से मल्टीप्लाई करना है 325.0, उसके बाद 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 37.5 से तो निकल गया 262.5। आप देखिए इसको हम fx को जोड़ देंगे, इसका नाम होगा नोटेशन fx, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा fx। यह सिग्मा fx टोटल जोड़ करके आ गया है 1340 और f को जोड़ देंगे यह निकल गया आपको कितना 50, जिसका नाम हो गया सिग्मा f, इसी को हम लोग बोलते हैं नोटेशन f। अब आइए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे चलेंगे। मीन का फॉर्मूला आपका होता है क्या चीज, इसको हम लोग एक्स वार के द्वारा नोट करते हैं, यह होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा क्या था f, नोटेशन fx बटा नोटेशन f। आप देखिए 1340 बटे 50 जीरो से जीरो क्या कैंसिल कर दिए हैं तो आ गया 134 बटे के नापा, इसे भाग दिए हैं तो निकल गया 26.8, आई अप्रोक्सीमेशन मान लिए इसको तो यह निकल गया कितना 27। ये आपका मीन आपका बन गया। अब मोड बनाने के लिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मोड जो बनाएंगे हम लोग तो f से मोड बनता है, इसमें क्या करेंगे आपको ग्रुपिंग करना है, जैसे ग्रुपिंग करेंगे ग्रुपिंग इन टोज, ग्रुपिंग इन थ्रेड्स, एलिमेंट्रिकल टेबल, इसमें नंबर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, tm है, f है। ये मोड बनाने के लिए ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुपिंग इन टूज में मतलब होता है दो दो का समूह, दो दो का लेना है, जैसे दो का समूह ले, दो को का समूह ले तो 5 6 कितना का 9 हो गया, उसके बाद इसको दोनों का समूह ले 9 और 15 जो है 24 आ गया, फिर इस दो का समूह ले तो कितना आ गया 17 आ गया। उसी प्रकार से तीन में चलेंगे तो एक को छोड़कर दो का समूह लेना है तो यह देखिए 9 और 5 कितना 14 हो गया, फिर आपका 15 और 10 कितना 25 हो गया, दो दो का समूह ले। ग्रुपिंग इन थ्रीज में तीन तीन का समूह लेना है, जैसे यहां से लेकर यहां तक 9 5 4 कितना आ गया 5 4 9 9 कितना 18, तीन का समूह लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे 15 10 और 7 का ये 32 निकल गया, फिर आप 5 में चलेंगे कॉलम नंबर तो एक को छोड़ कर लेगा 3, एक को छोड़ कर कितना लेगा 3, तो 5 9 और 15 का जो कितना इसका 29 हो गया, फिर इस कॉलम में चलेंगे तो दो ठो को छोड़ कर कितना लेगा 3, तो 9 15 और 10 को लेंगे जोड़ेंगे तो कितना का 34 आ गया, और जो छूटने वाला अंक है इसको छोड़ देंगे, 3 ठो का नहीं होगा इसको क्या कहा छोड़ दिया है। ठीक है, इस ढंग से हम लोग क्या किए ग्रुपिंग कर लिए हैं। ठीक, उसके बाद जो 12 है इसमें गोला लगा देंगे, इसमें जो 12 है इसमें गोला लगाएंगे, इसमें जो 12 है इसमें गोला लगाएंगे, इसमें जो 12 है इसमें गोला लगाएंगे, इसमें देख के जो सिंगल है तो गोला लगाइए फिर भी नहीं लगेगा फिर भी चलेगा, 29 है इसमें आपका 12 कितना 34 है, 34 कर देंगे। उसके बाद हम लोग टीएम बनाएंगे, टीएम बनाएंगे यहाँ देखिए यह 15 है, 15 के सामने गोला लगाए हैं, इसके लिए
माने पहली मार्क जो बनाएंगे एक चीज एक जो चीन देंगे एक क्या ऐसे चीन देना पड़ेगा ठीक है। इसमें देखिए ये दो में दिया है नौ और पंद्रह में दिया है तो नौ में भी रखेंगे एक मारेंगे और इसमें भी ये क्या करेंगे मारेंगे ठीक है। उसी प्रकार से इसमें देखना है इसमें दो दो में है जब पंद्रह और दस में है तब पंद्रह में चीन मारेंगे उसी प्रकार इसके भी चीन को क्या करेंगे मारेंगे उसका इसमें है तीन सौ में है पंद्रह दस और सात में है पंद्रह दस और सात में है इधर से चीन इसको क्या एक एक डाल देंगे। उसके बाद ये कितना में है पांच नौ और पंद्रह में तो पांच और नौ और कितना पंद्रह में डाल देंगे। उसी प्रकार उनतीस कितना कितना में है नौ है पंद्रह है कितना दिया इसका है दस है इसमें हम लोग क्या करेंगे नौ पंद्रह दस में क्या करें मार देंगे ठीक है। इधर से आपका जो टीएम बन जाएगा आप टीएम में देखिए आपका ये एक है तीन है इसको काट दिए तो पांच हो गया एक कितना छह हो गया ये तीन है एक है। अब इसी में कुछ नहीं है तो जीरो कर देंगे यहाँ एक है तो एक डालेंगे तीन है तो तीन डालेंगे ये छ है तो छ डालेंगे ये तीन है तो तीन डालेंगे एक है तो एक डालेंगे ये बन गया आपका माना फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी बन गया इसका ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए ये आपका सीरीज आपका कौन सीरीज है ये आपका सी सीरीज है जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं ना ये सतत श्रेणी इसका हिंदी में हम लोग क्या कहें सतत श्रेणी है। अब इसी बात को लिखना है सतत श्रेणी के विश्लेषण सारणी से पता चलता है कि सतत श्रेणी के विश्लेषण सारणी से पता चलता है कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितना है छ है माने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज छ आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी छ है अतः इसके सामने का वर्ग माने ये इसके सामने का वर्ग यहाँ से आइए इसके सामने का वर्ग है ना 25 से 30 ये आपका कहलाएगा बोर्ड क्लास बहुलक वर्ग विस्टक वर्ग कहलाएगा। तो इसके सामने ये आपका कहलाएगा F1 ये आपका दिया F1 ये हो गया F0 ये आ गया F2 आ गया ठीक है ना। अब इसी बात को यहाँ क्या करना लिखना है यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप देखिए ये जेड क्लास 25 से 30 आया इसमें L1 का मान 25 L2 का मान कितना 30 I निकालेंगे I का फॉर्मूला तो L2 माइनस L1 30 माइनस 25 निकल गया कितना 5 जो बात यहाँ लिखे F0 बना कितना 9 F1 बना कितना 15 F2 बना कितना 10 अब जेड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ठीक बोले का फॉर्मूला को क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ जेड बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज यहाँ ध्यान दिए L1 क्या था L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे कितना था I अब मान को पुट कर दिए L1 का मान कितना दिया 25 F1 का मान 15 F0 का मान दिया गया 9 माइनस ना कर दिए अब बटा में 2 गुणे 15 इसका मान F0 का मान 9 F2 का मान दिया माइनस 10 गुणे कितना हो गया 5 ठीक है ना 25 हो गया 15 में से 9 घटाएंगे 6 हो गया और उसके पंद्रह दुना 30 माइनस इसको जोड़ देंगे 19 गुणे कितना 5 हो गया हाँ उसके बाद 25 हो गया प्लस 6 5 कितना 20 और 30 में से हम लोग क्या करेंगे 19 को घटाएंगे कितना होगा 11। आप देखिए 11 से 30 नंबर पे क्या करना भाग है आप देखिए हम लोग कहाँ पहुंच गए यहाँ 25 प्लस 30 बटे 11 इट मीन्स 11 से 30 में क्या करना डिवाइड करना है। आप देखिए हम 11 से 30 में हम यहाँ डिवाइड किए हैं यहाँ भाग दिए हैं तो आया कितना 2.737 तो हम राउंड फिगर है उसको मान लिए है कितना 2.73 क्योंकि 5 या 5 से ज्यादा रहेगा 7 है एक इसको हम क्या करेंगे हम जोड़ दिए हैं तो यही मान यहाँ आ गया कितना देख लीजिए ये मान आपको आ गया 25 प्लस 2. कितना है 73 आया। अब इसी को जोड़ दीजिएगा तो 27. कितना होगा 73 हो गया दैट्स ऑल।